हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक यूनिक तरीके से भिंडी की सब्जी बनाना, जो कि बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस लगती है। और साथ ही साथ जो इसे नहीं भी खाता है ना, वो इसे चाट चाट के खाने वाला है। ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो क्यों ना इसे नए तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि जो इसे नहीं भी पसंद करता है खाना, वो भी इसे मज़े से लेकर खाए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ी सी भिंडी, दो प्याज, गार्लिक ले लिया है और एक टमाटर ले लिया है। गार्लिक ना हो तो उसकी जगह पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, 10 रुपए का पैकेट आता है। अब भिंडी के आगे से पीछे हिस्से को कुछ इस तरीके से हमें काट लेना है और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लेना है। सारी ही चीज़ों को हमें पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। हमेशा भिंडी को काटने से पहले वॉश कर लेना चाहिए, वरना धोने में बहुत मुश्किल होती है। ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है ना कि हर बार जब भी आपके घर में भिंडी आएगी तो आप इसी तरीके से इसकी सब्जी बनाएंगे और सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। अब मैंने क्या किया है, हर एक भिंडी के पीसेस को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है, आधा आधा काट लिया है। बाउल ले लिया और उसमें 2 बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, करीबन आधी छोटी चम्मच नमक डालना है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला बहुत टेस्ट इसमें लेकर आता है, बहुत टेस्टी लगता है ये डालने से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके परफेक्ट कंसिस्टेंसी का इसका हमें एक घोल बनाकर, बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। तेल एकदम गर्म है तो हर एक एक भिंडी के पीसेस को उस बैटर में डिप करके हम ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से भिंडी के टेस्टी, डिलीशियस, क्रिस्पी और अमेजिंग तरीके से पकौड़े बनकर तैयार हैं, जो कि चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से भिंडी के पकौड़े बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या फिर मैं जो बताने वाली हूँ आगे, इसकी सब्जी बनाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से इनमें गोल्डन ब्राउनिश कलर आ चुका है, तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और ये सारा काम जो है मैंने मीडियम फ्लेम पर किया था, मतलब गैस का जो फ्लेम था वो मीडियम था। फ्राई होने के बाद इन्हें अच्छे से निकालेंगे और सेम कढ़ाई में थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा सौंफ और एक तेज पत्ते के टुकड़े को काट कर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड किए हुए अनियंस डाल देंगे और अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउनिश कलर आने तक भून लेंगे। उसके बाद ये आधी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, ना हो तो आप सिंपल गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ये भून चुके हैं तो एक रफली चॉप्ड किया हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे गलने देंगे। टमाटर के गलने के बाद मैंने एक कटोरे में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक करीबन आधी चम्मच डाल के और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से घोल बनाकर इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें भून लेंगे, तब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पकौड़े जो हैं भिंडी के बनकर तैयार हुए हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स करके इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और पानी डाल के इसे ढककर छोड़ देंगे, तो हमारी जो है भिंडी की सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने पकौड़े बनाते समय भी किया था और सब्जी में भी किया है, तो हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। अगर पकौड़ों में आपसे ज़्यादा नमक डल गया है तो सब्जी में कम डालें। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है और कितनी बढ़िया से ये हमारी सब्जी जो है भिंडी की बनकर तैयार है। क्यों चौंक गए ना आप लोग कि भिंडी की इस तरीके से भी सब्जी बनाई जा सकती है और इसे बहुत अच्छा टेस्ट दिया जा सकता है। कोई सब्जी ख़राब नहीं होती या उसका टेस्ट बुरा नहीं होता अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनाएं, सब्जी लाजवाब लगती है। एक बार घर पर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और गारंटी है कि जब भी भिंडी आएगी तो आप इसी तरीके से इसकी सब्जी बनाएंगे और घर वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ 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 तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय।